आज की डेट में देखते हैं तो हर घर में आपको एक स्मार्ट टीवी मिल जाएगा, और स्मार्ट टीवी में अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट फीचर्स सारे होते हैं इसमें, नए नए फंक्शन फीचर्स ऐड होते रहते हैं। इसको आपको अपडेट कैसे करना है, अपने स्मार्ट टीवी को अपडेट करना हो जो नया वर्जन है, अगर आपको उसको अपडेट करके इसमें देखना है तो कैसे करेंगे, आज आपको इस वीडियो में LG के स्मार्ट टीवी को कैसे अपडेट करते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं, जिससे आप अपने स्मार्ट टीवी का नया वर्जन अपडेट कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, रिमोट उठाना है, रिमोट में एक सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, सेटिंग का बटन जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको इस तरीके के सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, तो आपको सबसे ऊपर सेटिंग वाले पे ही क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है सेटिंग का पहले नंबर पे, ये वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन इसमें दिख जाएंगे कैसे आपको करना है। ये ऑप्शन आ गया, इसमें पिक्चर मोड, साउंड, जर्नल और सपोर्ट, तो आपने किस में जाना है, सपोर्ट में। सपोर्ट में जब आप जाओगे तो आपको इसमें राइट साइड में जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट का, तो आपने इसी को क्लिक कर देना है, जिससे जो भी नया वर्जन इसमें आपके टीवी में आया होगा इसको क्लिक करेंगे तो अपडेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, अगर आप इसमें ऑटो अपडेट का ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप जैसे भी कोई नई चीज़ आएगी तो अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। अगर आप मैनुअली अपडेट करना चाहें तो आप मैनुअली भी अपडेट कर सकते हो अपने हिसाब से, तो आपने नीचे वाले क्लिक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको, अब ये टीवी ऑलरेडी अपडेट हो चुका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप अपने स्मार्ट टीवी में देखोगे, अगर उसमें आपने पहले कर रखा होगा तो इसमें ऑप्शन नहीं हो प्ले होगा, अगर आप नहीं किया होगा तो जैसे आप चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो अपडेट होने लगेगा। वैसे आप इसको ऑटो अपडेट पे ही करके छोड़ दो तो अपने आप जैसे भी कोई नई चीज़ आएगी तो अपने आप अपडेट होता रहेगा। इस तरीके से आप LG के स्मार्ट टीवी में ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट करना है वो भी हो जाएगा, मैनुअल करना है मैनुअल भी हो जाएगा। तो LG का कोई भी साइज यूज आप कर रहे हो सब में सेम ऑप्शन आपको मिलता है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, रिमोट में आपको मिल जाता है, तो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से आप अपडेट कर पाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया लाइक कर दें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा कोई नया वीडियो आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू।